गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ के सिना क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 32 पढ़ेंगे। ठीक है, 31 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वह है एक्सरसाइज 32 क्वेश्चन नंबर 1 to 41 तक आज सॉल्व करेंगे, यानी 10/6/2020 को आज का इसमें है एक्सरसाइज 32 क्वेश्चन नंबर 1 to 41 से 41 तक आज कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हेल्प लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 32 में किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करना है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका डिवाइड द फ्लोरिंग ओरली, सबसे पहले आपका पांच जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उस डिवाइड को ओरली सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लाई में जो डिसिमल में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में डिसिमल होता है तो मल्टीप्लाई में डिसिमल आगे बढ़ता है, डिवाइड में पीछे आता है। जैसे मान लेते हैं कि 84.32 डिवाइड करके 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10, तो एक जीरो है या जीरो इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8.432। अगर वही 84.32 डिवाइड 100 का लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए दो जीरो है, दो की इधर आ जाएगा यानी 1 2 या बीसों यहाँ आ जाएगा, 8.432 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में मान लेते हैं 6.925 है, डिवाइड अगर 1000 दिया हुआ है तब क्या करेंगे बताएं, आपके पास 1 डिजिट है और आपके पास जीरो की संख्या है 3। ठीक है, तो आपके पास डिजिट कितना है 1, दो डिजिट कम है ना, तो बाबू क्या करोगे दो जीरो डाल लेना, डिसिमल दे दोगे 006925 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह मल्टीप्लाई में डिसिमल आगे बढ़ता है, डिवाइड में पीछे आता है लेफ्ट की ओर, और मल्टीप्लाई में डिसिमल आगे बढ़ता है राइट की ओर। यानी पहला जो क्वेश्चन था आपका 27/10 दिया हुआ है तो 2.7 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, सेम क्वेश्चन है सर, 72.7.2 डिवाइड 1000 दिया हुआ है ना, 1000 दिया हुआ है, यहाँ पर 000 है और आपके पास डिजिट है 1, 1 ही डिजिट है ना, तो दो जीरो और डाल दो यानी 0.0072 आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हो गए, 11 नंबर लिखिए, 972.8400 से डिवाइड करना है, यानी देखिए हम दो जीरो है ना, दो जीरो है दो अंक इधर आ जाएगा यानी डिसिमल जो है यहाँ आ जाएगा यानी 9.7284 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर है 7.2/2, अगर 7.2 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.6 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 4/25 है यानी 4/25 लिख लीजिए, आपको डिवाइड नहीं करना है, इंटू 4 कर लो, इंटू 4 कर लो, 4 4 = 16, 25 = 100 यानी 0.16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप 14 तक कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है 24/70.8 है, इसको डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा 24/70.8, क्वेश्चन आ गया 123.54। ठीक है, यानी 20 + 20 = 7 + 40 आ जाएगा 70, 23 + 60 10 आ गया, यहाँ डिसिमल दे रखा है ना 8, 100 हो जाएगा 8 आ जाएगा 0, 24 + 80 आ जाएगा, 20 नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है 580.32/0.8 है, तो 580.32/100/8/10 आ जाएगा यानी 580.32/100 इनटू 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा या 0 से 0 कट गया, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 7254 आ जाएगा यानी 7254/10 आ जाएगा यानी 7225.4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 क्लियर है। नेक्स्ट है 30 नंबर, चलिए देखिए हम लोग 30 नंबर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका 8/1.25 यानी 8/1.25/100 हो जाएगा क्या, यानी 8 × 100/125, 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा यानी 8 4 जा 32/5 आ जाएगा, इंटू 2 कर लो इंटू 2 32 2 जा 64/3 आ जाएगा यानी 6.4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 30 नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 35, नेक्स्ट है क्या आपका 35 नंबर यानी 1586.12 डिवाइड करना है 200.8 को, यानी इसको भी डिसिमल बढ़ाएंगे 1408612 100 आ जाएगा, इंटू या 10 ऊपर चला जाएगा 2008 नीचे आ जाएगा,
यानी यहां 0 से यहां 0 कट गया, 2008 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 701.5, यानी क्या आ जाएगा 701.5/10, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 70.15 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 35 क्लियर हो गया। अब उसके बाद लोग दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 39 और 41, ठीक है, उस तरह आपका 41 तक क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 42633159.5/7062.7, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए लाइक डेसिमल हो गया, यानी डेसिमल काम कंप्लीट हो गया, डेसिमल पे कोई जरूरत नहीं है। आप इसको सबसे पहले डिवाइड कर लोगे 6085 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है 3.51/0.45/26, सबसे पहले हम इस डिवाइड का काम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7.8 आ जाएगा डिवाइड 26 से, ठीक है, इसको डिवाइड कर लोगे 0.3 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 16822.08/70.8/1.8 है, इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसी दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 237.6/1.8, यानी इसको डिवाइड करेंगे 132 आ जाएगा। आज एक्सरसाइज हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर 1 to 41 तक आज कंप्लीट कर लेंगे, 1 to 41 आज का इस वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 41 टू लास्ट नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है, उस तरह हम लोग सॉल्व करके उसको बता देंगे कैसे सॉल्व करना है 41 से लास्ट तक, इस तरह हम लोग दो वीडियो में एक्सरसाइज 32 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज 32 क्वेश्चन नंबर 1 टू 41 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।